सो स्टूडेंट, अब बारी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो से आपको जो जो बातें करनी है और एग्जामिनेशन के लिए जो जो टॉपिक आपको करने हैं, आइए उसके बारे में अब हम बात करते हैं। उम्मीद है अभी तक आपको जो जो बातें बताई गई वो आपने अच्छे से कवर कर ली होंगी। पॉलीमर्स का चैप्टर, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो भी डाला जा चुका है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, सॉलिड स्टेट वगैरह, उम्मीद है आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। और कोशिश कीजिए, अगर आपको खुद को पढ़ने में एक घंटे का समय लगता है तो हाफ एन आवर वीडियो के अंदर ही वो चीज बहुत अच्छे से हो रही है। आप उनकी हेल्प लीजिए और प्लेलिस्ट हैप्पी एग्जामिनेशंस के अंदर आपको ये सभी वीडियो एक ही सीक्वेंस में लगातार मिलते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, चैनल का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए प्लेलिस्ट की हेल्प लें और हैप्पी एग्जाम्स क्लास 12th के अंदर सभी वीडियो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अरेंज मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल चेंज। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज के बीच में जो रिलेशन बताए उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। यानी हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज करवा सकते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, और हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। एक केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इलेक्ट्रोलिटिक में वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और इलेक्ट्रोकेमिकल में वर्क डन बाय द सिस्टम है। एक के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाई जाएगी। तो आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ देम इज स्पॉन्टेनियस, और तीसरा क्वेश्चन, इन दोनों में किसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है, ये आपको तैयार करना है। इनके अलावा आज के इस वीडियो में आगे एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है कंप्लीट चैप्टर की। इस वीडियो के अंदर आपने इन सब बातों को बहुत अच्छे से करना होगा। पहले आपको जानना होगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन का इन तीनों पे क्या इफेक्ट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, आप तीनों के बारे में वहां पर बता के आएंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको डेफिनेशन में कोलराश लॉ किसे कहते हैं, फ्यूल सेल किसे कहते हैं, टेम्परेचर कॉफिशियंट किसे कहा जाता है। यहां ध्यान रखिए, तीनों डेफिनेशन बेशक से अलग से कॉपी पे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं, फ्यूल सेल और उसकी रिएक्शन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये करना चाहिए। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले वेरियस फैक्टर। आपसे कह सकते हैं कि 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, सोडियम मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या NaCl की ज्यादा होगी। तो फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ये करना चाहिए आपको। नाउ व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, सॉल्ट ब्रिज, ये तीन चीजें यहां आनी चाहिए। और कंसंट्रेशन सेल किसे कहा जाता है, कंसंट्रेशन सेल किसे कहा जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, और इनके यूजेस क्या है, ये अगला क्वेश्चन ये आपको आना चाहिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन EMF ऑफ सेल, सेल EMF पे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ये बताना होगा। नर्नस्ट इक्वेशन यहां पर आपको डिराइव करनी है, जितना भी डेरिवेशन है ज्यादा नहीं, एक जिंक और कॉपर का एग्जांपल लेके नर्नस्ट इक्वेशन में वैल्यू आपने पुट करनी है। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बारे में आपको आना चाहिए। नाउ राइट द रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड के हिसाब से देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कंसिडर किया जाता है। व्हाट इज मेंट बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कोरोजन का टॉपिक कई बार बुक में मेंशन होता है कि नॉट इन CBSE सिलेबस एटसेट्रा, लेकिन इस वार्निंग के बावजूद आपको ये टॉपिक अलग से करना होगा। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या है, गैल्वनाइजेशन क्या है,
तीन डेफिनेशन जरूर करें, चाहे मेंशन हो चाहे ना हो। कई बार चीजें बाहर से आ जाती हैं, बाद में फिर अपील होती हैं, कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन होती है, उनका कोई फायदा नहीं होता। आप कोशिश करें पहले से ही दो चार चीजें एक्स्ट्रा तैयार कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। व्हाट इज बिस्फिनॉल, बिस्फिनॉल क्या है और इसका फंक्शन क्या है, कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लेन लेड स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरी को एक्सप्लेन करना है, रिएक्शन लिखनी है, चार्जिंग रिचार्जिंग की रिएक्शन रटनी है, याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कैटेगरी की ये चीज है। और लास्ट में न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स ध्यान रखिएगा, कंडक्टिविटी के बेसिस पे, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, नर्नस इक्वेशन, डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी और फैराडेज लॉ। सबसे पहले आपने इनके एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक के बेसिस पे करने हैं और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। आज जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की तैयारी करेंगे तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए। जो जो न्यूमेरिकल कहा, अब एक न्यूमेरिकल आना पक्का है, जब न्यूमेरिकल आना पक्का है तो आपकी तैयारी भी पक्की होनी चाहिए। इतनी चीजें यहां पर आपको करनी होगी। और एक बात और बता दूं कि अब हम एक केमिस्ट्री इन इंग्लिश एक और चैनल शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये रही है कि इंग्लिश के अंदर ही उनको बात समझ में आएगी, उनमें वो कंफर्टेबल हैं, इजी हैं। तो हम जल्दी ही केमिस्ट्री इन इंग्लिश एक चैनल स्टार्ट करेंगे और वहां पर ऐसे बच्चे जो हिंदी नहीं समझ पाते उनके लिए ये बहुत हेल्प रहेगी। तो अब आगे वीडियो के अंदर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए, न्यूमेरिकल को समझिए और इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में शुरुआती लेक्चर सीखते हैं किन बातों पे अच्छे से ध्यान देना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपके एग्जामिनेशन में एक न्यूमेरिकल श्योर है और थ्योरी के बेसिस पे एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। यानी हमारे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज के बीच में रिलेशन बताती है कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज करा सकते हैं और कैसे हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम कंडक्टर्स के बारे में सीखते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाने दें, जैसे वायर्स, सॉलिड स्टेट कंडक्टर, पानी में नमक डाल दिया, लिक्विड स्टेट कंडक्टर। तो कंडक्टर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी जाने देगा, दो तरह के कंडक्टर, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट कंडक्टर को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी कहा जाएगा। देखिए कहानी की तरह याद कीजिए, याद करने में मजे आएंगे। नाउ इसके बाद अगली चीजें, अगली डेफिनेशन वगैरह वो और अच्छे से लर्न करो। फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी, कंडक्टर की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ज्यादा आयंस देगा, बेटर कंडक्टर कहलाया जाएगा। अगर हम पानी मिला देंगे, पानी मिलाने पे आयंस का मोशन बढ़ जाएगा और उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, कंडक्टिविटी को गवर्न करने वाले दो फैक्टर होते हैं। एक, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, जो भी फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाएगा वो कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये बेसिक बात ध्यान रख लो। जो भी फैक्टर मोबिलिटी को बढ़ाएगा कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। आपके हाथ में फुटबॉल है, आप फुटबॉल को एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेके जाना चाहते हैं, कंडक्शन। आप जितना तेजी से भागेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी कहलाई जाएगी। तो इस तरह से हम कहेंगे मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल हायर विल बी द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तीन तरह की है। पहला है हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपल कंडक्टिविटी, इसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है। K को यहां कप्पा कहा जाता है और इसका मतलब है कंडक्टेंस ऑफ 1 cc ऑफ सॉल्यूशन। 1 cc सॉल्यूशन जो भी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस शो करता है उसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाएगा। इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 cc ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही दूसरी है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ
वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से, यहां हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 cc लिया और उसकी कंडक्टिविटी देख रहे हैं। यहां हमने वॉल्यूम कितना भी ले, अमाउंट 1 mole लिया है और 1 mole इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी देख रहे हैं। तीसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी जब आप 1 equivalent इलेक्ट्रोलाइट लें उस वक्त जो कंडक्टिविटी है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये 3 type की कंडक्टिविटीज को याद रखिए। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला 1/r into L/A रखना है आपको। 1/r, r stands for resistance, L/A को सेल कांस्टेंट कहा जाता है, L है लेंथ ऑफ द सेल, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या तो सेल कांस्टेंट दिया जाएगा या L अलग A अलग। मोलर कंडक्टिविटी को K into 1000/N, K यानी कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यहां से K की वैल्यू इधर पुट करेंगे, M इज द मोलैरिटी दी जाएगी आपको, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में K into 1000/ नॉर्मैलिटी। इस तरह से हम बड़ी आसानी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को बता पाएंगे। हमें इसको मालूम होना चाहिए, हमें इसके बारे में आना चाहिए। तो ऐसे इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और रिलेशन याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिलेशन अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कोशिश करना आपको यह रिलेशन भी याद हो जाए, जिसके बाद हमारे करने के लिए मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, कम फार्मूले से न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर पाएंगे। सपोज आपसे कहा गया फॉर 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ K इज 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये कहा गया, मोलरिटी गिवन है, K गिवन है, आप पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, K इंटू 1000/N, K की वैल्यू गिवन है दैट इज 100 1000 और मोलरिटी 0.01, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए 2 options हैं, या तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करें, जैसे K हमें दिया गया है 100 1000, नॉर्मैलिटी नहीं दी गई, मोलैरिटी दी गई। आपके पास 2 बातें हैं, या तो आप नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन जानते हो, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी, या आप मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिलेशन जानते हो। आप किसी भी तरह से सॉल्व कर लो, मोलैरिटी है नॉर्मैलिटी में कन्वर्ट कर लो, बेसिसिटी कितनी हुई 2, तो इसकी नॉर्मैलिटी 0.02, इसको सॉल्व कर लिए, या मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, आप एसिडिटी और बेसिसिटी की वैल्यू वहां पर रखेंगे और इस तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आप बता पाएंगे। तो ऐसे हमने सीखा, कंडक्टिविटी अगर हमारे पास हो तो कंडक्टिविटी कितनी तरह की है, क्या है, कैसे उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये यहां पर आपने सीखा। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, बताएं मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर कब होगी, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर कब होगी, जवाब है हमारे पास, जब एसिडिटी और बेसिसिटी 1 होगी तो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से ये याद रखना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का तीनों कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट है, ये भी आपको आना चाहिए। याद रखना मेरी बात को, डाइल्यूशन करने पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है।
तीनों कंडक्टिविटी डिफरेंट है। यहां डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है। अब याद रखना ये इंक्रीज क्यों होती है, डाइल्यूशन करने पे पार्टिकल्स के बीच हिंड्रेंस खत्म हो जाता है, उनकी मोबिलिटी बढ़ती है। मोबिलिटी बढ़ने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो आपसे कोई पूछे डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी और इंक्रीज इन आयनाइजेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, मोबिलिटी यहां फैक्टर रहेगा। अब ये डाइल्यूशन पे डिक्रीज होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक सीसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है, एक सीसी सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल हैं उनकी कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। सपोज हमारे पास एक सीसी में 5 पार्टिकल है, अब मैंने इसको डायल्यूट कर दिया, डायल्यूट करके वॉल्यूम बढ़ा दिया, 5 सीसी कर दिया। पहले 5 पार्टिकल एक सीसी में थे, अब जब वॉल्यूम बढ़ा दिया जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर सीसी डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन पार्टिकल पर सीसी ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से याद रखें। तो हमारे पास इनका फॉर्मूला, इनकी डेफिनेशन, इनका न्यूमेरिकल, डाइल्यूशन पे इफेक्ट, और इसके साथ साथ इनकी यूनिट भी याद रखना, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। आपसे इनकी यूनिट भी पूछ लेते हैं कि इनकी यूनिट क्या रहेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये याद रखें। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इस तरह के तरीके से इनकी यूनिट याद रखो, इनके फार्मूला याद रखो, इनके न्यूमेरिकल याद रखो। इसकी इंपॉर्टेंस है, तभी आपको ये अलग से बताया गया है कि आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करें। डिफरेंट बोर्ड्स में अलग अलग टाइम में इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते रहे हैं, और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से ट्राई करना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज को व्हाट्सएप पे आपके पास भेजा जाएगा, आप वहां पर उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके आंसर हमारे पास वापस भेजने की कोशिश करेंगे। अगर आप रजिस्टर नहीं हुए हैं तो अभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, आपको जस्ट व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। ये मॉक टेस्ट, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, आपने सफल होके दिखाना है, और जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं तो बस मुझे मार्क्स बता देना अपने, इतना ही आपको करना है। तो कोशिश करिए, देखते रहिए। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 में हमने यहां कंडक्टिविटी के बारे में सीखा। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी न्यूमेरिकल्स, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से मोस्ट फेवरेबल है, किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो मोस्ट फेवरेबल न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, वो नर्नस्ट इक्वेशन और फ्री एनर्जी के बेसिस पे हैं। तो आज हम वही आपको ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे कि आप किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। नाउ रिमेंबर, इस तरह से शायद आपको आइडिया हो, आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर नहीं भी पढ़ा तो ध्यान कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स में आपको इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दी जाएगी। ये है लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट, लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम एनोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं, और ये है हमारी राइट हैंड साइड, इसे कैथोडिक कंपार्टमेंट बोला जाता है। तो लेफ्ट में है हमारे पास एनोड और राइट में है हमारे पास कैथोड। हमारा सबसे पहला काम होता है रिएक्शन को लिखना, और रिएक्शन को किस तरह से लिखना सीखना। सबसे पहले आप एनोड की रिएक्शन लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी जिंक सॉलिड फॉर्मिंग जिंक प्लस 2 एक्वस लेफ्ट टू राइट। इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज प्लस 2, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, राइट हैंड साइड वाले में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। लेफ्ट हैंड वाले में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जितना चार्ज में डिफरेंस है, यहां चार्ज 0, यहां चार्ज प्लस 2,
चार्ज जीरो, चार्ज प्लस टू, दो का डिफरेंस, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस। सिमिलरली राइट हैंड साइड, लेफ्ट टू राइट, इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी। अब यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कितना, जितना चार्ज में डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है तो दो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। ऐड करते वक्त ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे। सपोज यहां वन इलेक्ट्रॉन होता, यहां टू होता, तो हम इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करते ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज हो जाए, और इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज होने के बाद उन्हें कैंसर और इसे लिख दिया जाएगा जिंक सॉलिड कॉपर प्लस टू एक्वस जिंक प्लस टू एक्वस कॉपर सॉलिड। इस तरीके से ये हो गई हमारी सेल रिएक्शन। इसे सेल रिएक्शन कहा जाएगा। अब इस सेल रिएक्शन के हिसाब से आपको एन फैक्टर भी पता होना चाहिए। एन फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर रिएक्शन। एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, जब इक्वलाइज कर लिया जाएगा दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे तो पर रिएक्शन कितना आया, टू। तो यहां एन फैक्टर कितने का रहेगा, टू का। अब इस इक्वेशन के लिए हम नर्नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्नस्ट इक्वेशन है ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एंड लॉ प्रोडक्ट रेस टू द पावर कॉफिशियंट रिएक्टेंट रेस टू द पावर कॉफिशियंट। नर्नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आपने पहले इस इक्वेशन को समझना है कि आखिर ये क्या चीज है। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल से हमारा मतलब है स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनो। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कहा जाएगा ई नॉट कैथोड, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनो। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां एनोड जिंक है तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया जाएगा -0.76 वोल्ट और कॉपर कैथोड है 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू आपको दी जाएगी। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया होगा, आपने उसको यहां पुट करना है, ईनोड सेल निकालना है और ईनोड सेल की वैल्यू यहां रखी जाएगी। इसे हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कहेंगे। एन है हमारे पास एन फैक्टर जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। ई सेल, इसका मतलब है ईएमएफ ऑफ सेल एट गिवन कंसंट्रेशन जो आपको फाइंड आउट करना होगा। ये है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रेस टू द पावर कॉफिशियंट। अब देखिए इसमें आप वैल्यूज पुट करते वक्त सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखेंगे अगर कोई भी सॉलिड है उस सॉलिड को आपको नेगलेक्ट करना होगा, सॉलिड को नेगलेक्ट करना है। अब बेसिक रीजन इसके पीछे एक्टिव मास का होता है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अभी आपको वो बेसिक रीजन नहीं जानना, आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। तो जो भी सॉलिड है उन्हें हम नेगलेक्ट करेंगे, यानी यहां पर कॉपर सॉलिड जिंक सॉलिड नेगलेक्ट कर दिया। नाउ पुट द वैल्यू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल किसके बराबर था, ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है हमारे पास कॉपर, माइनस ई नॉट एनोड। तो इस तरीके से हमने ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड डायरेक्ट लिख लिया -0.0591 अपॉन एन। एन क्या है, एन फैक्टर जो कि हमारे पास टू, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, सॉलिड तो नेगलेक्ट हो गया, प्रोडक्ट में कौन बचा जिंक प्लस टू, कॉफिशियंट वन है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यहां से सॉलिड नेगलेक्ट हो गया है तो ये है कॉपर प्लस टू एक्वस और कॉफिशियंट है इसका वन। नाउ पुट द वैल्यूज, सो वी कैन से ई सेल ई नॉट कॉपर, ई नॉट कॉपर गिवन होगा आपको स्टेटमेंट में ई नॉट एनोड
माइनस 0.76 और माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग जिंक आयन कंसंट्रेशन, ये भी स्टेटमेंट में दी जाएगी जो सेल के अंदर लिखी है. 0.1 कह सकते हैं आप इसे, 0.1 डिवाइडेड बाय कॉपर आयन कंसंट्रेशन 0.01, और इसे 0.1 0.01 को सॉल्व करके आप लिख सकते हैं ऊपर क्या आएगा, लॉग 2 लॉग 10. नाउ लॉग कैसे देखना है यह हम आपको पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में सिखा चुके हैं. लॉग देखना आपको डेफिनेटली आना चाहिए इस चैप्टर के लिए, केमिकल काइनेटिक्स के लिए लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखना आना चाहिए. नाउ अब आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देख लीजिए कितना आएगा, 1.10.0591/2 लॉग 10 होता है 1, और इस तरीके से इसे सॉल्व करके हम बता पाएंगे कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या रहेगा, वोल्ट्स इसकी यूनिट रहेगी. तो कोई भी न्यूमेरिकल जो भी आपको ईएमएफ के बेसिस पे दिया जाएगा आपने उसे इसी तरह से बड़े ध्यान से सॉल्व करना है, मुश्किल नहीं है. गलतियां क्या करते हैं, आप कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करते हुए गलती करते हैं, वो गलती ना करें और बड़े ध्यान से इक्वेशन लिखें. इलेक्ट्रॉन्स को आपको कैंसल आउट करना होगा. एक और चीज, यहीं पर एक और न्यूमेरिकल जो हमारे इस चैप्टर में हमसे पूछा जाता है वो है रिगार्डिंग द फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट माइनस एनर्जी नॉट. इस बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बताना है या यूजफुल वर्कडन बताना है, इसे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहेंगे या यूजफुल वर्कडन के नाम से भी इसको पहचाना जाएगा. तो देखिए वैल्यूज क्या रहेंगी आपके पास, N अभी हमने देखा 2 है, फैराडे 96500, ईनोड सेल कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने अभी बताया था 0.34, यहां 0.76, और जब ये वैल्यू को सॉल्व किया 1.10, इस तरीके से ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. तो ऐसे आपको डेल्टा जी नॉट सॉल्व करना आना चाहिए. डेल्टा जी नॉट हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल हो गया, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर के कहलाए जाते हैं. कोशिश कीजिएगा एक और रिलेशन अगर आप याद रखें, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आरटी लॉग केस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच का रिलेशन. अभी आजकल आपके एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, नहीं आते. मेनली हमारे पास हमें इस टॉपिक पे और नर्नस्ट इक्वेशन पे, इन पे ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, इन पे ही हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा. तो इस तरह से ये दो टाइप के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कीजिएगा. अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर में ओवरऑल न्यूमेरिकल के फॉर्मूले क्या यूज करने हैं और उनके लिए कौन से न्यूमेरिकल्स के बारे में तैयारी करनी है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम ये आपको बताएंगे. देखिए आप जो भी आपको मैं क्वेश्चन देता हूं या व्हाट्सएप पे जो भी आपके पास एक्सरसाइज अलग से भेजी जाती है, कोशिश किया कीजिए उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके उसके आंसर हमारे पास भेजिए. आप ऐसा ना कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन पहुंचे और आपने कहा कि हम आपको इसका सॉल्यूशन दे दें. अगर हम आपको सॉल्यूशन देंगे तो हमें ही पढ़ना है, आपने क्या पढ़ा. आप एफर्ट्स कीजिए, आप उसे ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, एक दूसरे की हेल्प लीजिए. जब बिल्कुल ही ना हो तब आप हमसे कहिए, डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे. लेकिन तुरंत मैंने क्वेश्चन भेजे और तुरंत ही आपने मुझसे उसके जवाब के बारे में कहा तो ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि जो आपकी सक्सेस में बाधा रहेगा. आपको अपने सक्सेस के लिए वर्क करना है, काम करना है और आप डेफिनेटली इस बात को कर सकते हैं. चलिए देखते रहिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और भी हम ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे. स्टूडेंट्स आइए सीखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से फार्मूलों पर ध्यान देना है और न्यूमेरिकल्स में किस तरह से उनका यूज करना है. यहाँ पर दिए गए सभी फार्मूलों को बहुत अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा और गिवन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा. अगर आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर गए
इन फार्मूलों को मेमोराइज आपने कर लिया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पोर्शन आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं अब हम वो फार्मूले और न्यूमेरिकल जो आपको तैयार करने हैं।